साउथ को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा साफ है और सरकार में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत के दुश्मन नंबर वन पर दबिश भी सरकार लगातार बढ़ा रही है। पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है कि हमारा दुश्मन नंबर एक दाऊद इब्राहिम उनके देश में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय धांधली में लिप्त लोग और समूहों की एक ताज़ा सूची जारी की है। इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। इस सूची में दाऊद के चार पते भी लिखे हुए हैं, वो पाकिस्तान में ही बताए गए हैं। ब्रिटेन के ट्रेजरी विभाग ने 27 जनवरी को वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले लोगों और संस्थाओं की एक सूची जारी की है, जिसका मकसद उस व्यक्ति, संस्था और देश में उसके ठिकानों को किसी भी तरह का धन स्थानांतरण प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस सूची में भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। इसमें उसके पाकिस्तान के चार ठिकानों के अलावा उसके भारतीय और पाकिस्तानी पासपोर्ट के नंबर भी दर्ज हैं। नियमों के तहत जिन लोगों और संस्था का नाम इस सूची में होता है उनकी संपत्ति उस देश में जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा उस संस्था या व्यक्ति को ब्रिटेन में या ब्रिटेन से वित्तीय लेन देन प्रतिबंधित कर दिया जाता है। गौरतलब है कि 1990 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। दाऊद के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। वहीं पाकिस्तान बार बार इस बात को नकारता रहा है कि दाऊद उसके यहाँ ही रहकर गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन की इस सूची से भारत की दाऊद को पकड़ने की मुहिम को बल मिल सकता है।